हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होगी बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि आज की रीडिंग वो होने वाली है जिसका आप सभी को इंतज़ार था। आप में से बहुत सारे लोग दिल में बहुत ज़्यादा बेचैनी थामे हुए हैं और जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन कब तक आकर आपको कांटेक्ट करेंगे। तो इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि और कितना इंतज़ार करना होगा आपको, क्या वो आएंगे क्या वो नहीं आएंगे, इंतज़ार का जो सफ़र है, इंतज़ार की जो घड़ी है और कितनी लंबी होने वाली है आपके लिए, या फिर ये मान लीजिए कि कितनी जल्दी ये जो इंतज़ार की घड़ियाँ हैं धीरे 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 ख़त्म होने वाली है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन एंजल्स का नाम सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे कि सिचुएशन में क्या चल रहा है, आपके पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन इस समय क्या कर रहे हैं, आपके पर्सन इस समय क्या चल रहा है उनके मन में। सबसे पहला कार्ड आ गया है यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स, फिर आ गया है टू ऑफ वॉन्ड्स, द टावर। टावर मोमेंट तो हमें एक्सपेक्टेड था, काफ़ी समय से आप दोनों की बातचीत जो है बंद है बिल्कुल। ओके, नाइट ऑफ कप्स, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देख लीजिए यहाँ पे कार्ड्स आ गए हैं। एक चीज़ बोलूँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, यहाँ पे सबसे बड़ा मैसेज पता क्या है, सबसे बड़ा मैसेज यहाँ पे ये दिख रहा है कि जब इस पर्सन की आंखें खुली, जब इनको होश आया ना, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। अब हुआ क्या हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आ गया है टावर मोमेंट, जो साफ है कि आपके सेपरेशन के बाद, आपके ब्रेकअप के बाद जो समय था, इनकी लाइफ का सबसे ज़्यादा मुश्किल समय था। इनको ऐसा लगा कि ये अपना नाम तक भूल गए, या फिर ऐसा लगा कि इनकी शरीर से कोई धीरे 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 करके कोई जहर फैला रहा हो। जी हाँ, एग्जैक्टली ऐसा ही लगा इनको। अब ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ और किसकी नज़र लग गई आप दोनों को, ठीक है, हम जानने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप दोनों को बहुत ही चलाकी से अलग कर दिया गया। दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है जो हमेशा टांग अड़ाते अड़ाते आप दोनों को सेपरेट करने में एकदम सफल हो गए। और पता है, आपके लिए इतनी बड़ी बाजी खेली गई यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी सिचुएशन, ऐसी चीज़ें पैदा कर दी गई कि आप ना चाहते हुए भी एक दूसरे से अलग हो गए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कोई झगड़ा नहीं हुआ, यहाँ पे कोई ऐसे नहीं कि बहुत एक दूसरे पे चिल्ला चिल्ला हो गई और बुरी तरीके से आवाज़ एक दूसरे पे उठा रहे हैं, आवाज़ तेज़ कर ली या फिर बहुत ऊंची आवाज़ में बोल दी, हाथापाई लड़ाई, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। दोनों के बीच में धीरे 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 जहर ऐसा घोला गया कि दोनों की बातचीत बिल्कुल ऐसे बंद हो गई जिस तरीके से दोनों बहुत बड़े अनजान हों, दोनों एक दूसरे को जानते ना हों। दोनों के दिमाग पे, दोनों को मेंटली इतना ज़्यादा वीक कर दिया गया जहाँ पे दोनों को लगा कि हम दोनों का आपस में कोई फ्यूचर नहीं है, अलग हो जाना ही बेस्ट रास्ता है। और मुझे लगता है आपके पर्सन को भी इसी सिचुएशन में डाला गया। इस सिचुएशन में डालने के बाद आपके पर्सन जो है बिल्कुल होश खो बैठे, उनको ये चीज़ समझ नहीं आई कि अब मुझे आगे की ओर क्या करना चाहिए, क्योंकि वो सिचुएशन इनके लिए बहुत ज़्यादा डरावनी थी। ऐसा लग रहा है कि इनके जो अपनों ने ही इनके सीने में खंजर घोंप दिया और वो वक्त रहते इस चीज़ को नहीं देख पाए और इस चीज़ का शिकार हो गए, और इसी के कारण आप दोनों की जो बातचीत भी है वो धीरे धीरे इस प्रकार बंद हो गई। और उनको इस बात का एहसास तब हुआ जब आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका था, और ये सिचुएशन इनके लिए इतनी ज़्यादा डरावनी हो गई। जिस इंसान को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद, बहुत हिम्मत जुटा के जिसके सामने इन्होंने प्यार का इजहार किया था, उस पर्सन को भी इनको खोना पड़ा। तो एक तरीके से ये इतने ज़्यादा अकेले पड़ गए थे, हो सकता है इनके लिए रातें काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई और दिन में इनको ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ता होता था और वो अपने आप को कुछ भी करके बचा नहीं पाते थे। वो चाहते थे कि किसी तरीके से इस सिचुएशन में निकल के आपसे दो बातें हो जाए, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। क्योंकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जिनकी वजह से आप दोनों का सेपरेशन हुआ,
वो इनके आसपास रहते हैं। हो सकता है ये लोग सेम ही घर में रहते हों, हो सकता है कि ये ट्रैवल करके हर वीकेंड इनके घर पे जाते हों, या भी हो सकता है कि वो मेजॉरिटी में लोग बहुत ज़्यादा थे जिसकी वजह से ये पर्सन अकेले जो है मुकाबला नहीं कर पाए। ठीक है, ये सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है, आपके पर्सन के दिलो जहन में उस समय आपके लिए इतना ज़्यादा प्रेम था, अब विश्वास नहीं करेंगे कि ये ना हो सकता है जो जिनके भी कहने पर इन्होंने ऐसा किया ना, वहाँ पे एक फ़ीमेल रही हो। ठीक है, वहाँ पे एक फ़ीमेल रही हो जो घर के हर फैसले लिया करती हैं, जो हर किसी को चलाती हैं, जो हर किसी को अपने अनुसार ही करने के लिए बोलती हैं। उन्होंने प्यार का वास्ता देके, अपने प्यार का वास्ता देके बहुत ज़्यादा उनको मनाने की कोशिश की, कन्विंस करने की कोशिश की, बट वो भी कन्विंस नहीं हुई। इनफैक्ट ये मान उनकी वजह से ही उन्होंने भी आदेश दे दिया कि कुछ भी कर लो, तुम दोनों का इकट्ठा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक बार और आपके पर्सन आपसे बात करते ना, तो हो सकता है वो अपने आप को रोक नहीं पाते, इसी वजह से उन्होंने घुट घुट कर अपने आप को अकेला रखा, उन्होंने घुट घुट कर अपने आप को इस सेपरेशन के लिए तैयार किया। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टू ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है। एक तरीके से समाज, एक तरीके से सोसाइटी जो इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, हर कोई इनको बोल रहा था, हर कोई इनकी गलती बता रहा था, हर कोई इनकी गलती ठहरा रहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने हमारी बहुत बेइज्जती करा दी। बट एक तरफ वो आपके पर्सन को पता था कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, उन्होंने कोई भी गुनाह नहीं किया। दिल में लाखों सवाल लिए, बहुत कुछ सोचते हुए आपके जो पर्सन हैं उनको चुप ही रहना पड़ा। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स आ गए हैं। एक तरफ से ये था कि वो किसी तरीके से आप तक अपना संदेश पहुँचा दे, दूसरी तरफ ये था कि इन सबको इकट्ठा करके, एकजुट करके इन पे विजय हासिल करना, इनको कन्विंस करना। तो आपके पास, आपके पर्सन के पास दोनों तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसको निभाते निभाते ये पर्सन इस समय बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि मैंने दूसरों के लिए तो सब कुछ कर लिया, लेकिन खुद की पर्सनल लाइफ के लिए मैंने कहाँ ही टाइम दिया। ओके, एंजल की तरफ से मैसेजेस देखते हैं आपके लिए क्या है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। हो सकता है ये पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में बिलीव करते हो, गॉड में बिलीव करते हो, और ये बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और जब जब ये उदास होते हैं, अकेले होते हैं, और ये प्रेयर बहुत ज़्यादा करते हैं जिससे इनको क्लैरिटी मिलती है। वेट, देख लीजिए यहाँ पे कार्ड आ गया है, आपके लिए बहुत लकी कार्ड है। वेट, जो आपका वेट है वो बहुत ज़्यादा फलदायक होगा। जिस तरीके से आपने इनका इंतज़ार किया कि ये कभी तो आएंगे, उसी प्रकार से इन्होंने सही समय का इंतज़ार किया है आपसे बात करने के लिए। क्योंकि जब जब ये बैठा करते थे, प्रेयर किया करते थे, इनको ऊपर से यूनिवर्स ने ओके विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ये बहुत ज़्यादा हिम्मत कर रहे हैं, हिम्मत पूरी तरीके से ये नहीं हारे हैं, इन्होंने आपके रिश्ते पे गिव अप नहीं किया है। ये चीज़ कहीं पे लिख लीजिए कि इन्होंने बिल्कुल भी आप पर गिव अप नहीं किया है। ये चाहते हैं देर आएँ दुरुस्त आएँ, लेकिन और किसी तरीके से आपसे थोड़ी बहुत बात हो ताकि जो है बीच में जो बहुत ज़्यादा खाली गैप आ गया है वो ख़त्म हो। कब तक इंतज़ार करना चाहिए आपको? वेट और मूव ऑन। ओके, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, बहुत करीब हैं। यहाँ से गिव अप करना सही नहीं रहेगा। अगर आपको अपने पर्सन का वेट है तो थोड़ा सा और वेट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुलाजिम रहेगा, बहुत ज़्यादा फलदायक रहेगा। यू आर गुड इनफ। अगर आपको खुद को लेके बहुत ज़्यादा डाउट हो रहे हैं कि शायद मेरी ही गलती की वजह से मैं ही अच्छी नहीं थी, या मैं ही अच्छा नहीं था, या मुझ में कोई कमी थी कि इस वजह से मेरे पर्सन ने मुझे छोड़ा, ये बिल्कुल सोचना गलत रहेगा। सेल्फ सेबोटाइजिंग चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि अगर आपके अंदर सेल्फ लव ही नहीं होगा तो यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा डिले कर देगी आपका जो रीयूनियन है। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आ गया है यू आर इनफ। लक इज़ ऑन योर साइड। इस बार आप नहीं चुकेंगे, इस बार आपके पर्सन नहीं चुकेंगे, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एफर्ट्स कर रहे हैं और आपका वेट है, आपका पेशेंस है, आप दोनों का कनेक्शन है, उस तरीके से जो तीर है निशाने पे लगेगा। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए सही टाइम पे विद इन
नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपका जो वेट है ना वो ओवर होने वाला है पूरी तरीके से, क्योंकि जिस प्रकार से आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा बेचैन दिख रहे हैं वो आपको सारी कहानी आके बताने वाले हैं पहले की ही तरह। नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। अगर आप अपने अंदर नेगेटिव सोच रखेंगे, अगर आप हमेशा खुद को ही कम समझते रहेंगे, अगर आप हमेशा नेगेटिविटी वाला मैग्नेट बनने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, वो कभी भी पूरी नहीं होगी। तो जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप एक पॉजिटिव मैग्नेट बन जाएंगे और आप इसी तरीके से सब कुछ अचीव कर पाएंगे। अच्छा ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से हम कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू वीडियो का लिंक आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, उसको जल्दी से देख लीजिए। वीडियो जो है टाइमलेस है। नो मैटर हाउ अदर सी मी, यू मेक मी फील स्पेशल। दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये पर्सन जानते हैं कि आपके लिए ये हमेशा स्पेशल रहेंगे। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। आप जब सोते हैं आपको घंटों इसी तरीके से देखते रहना इनको बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार आता है आप पर। आई फील एट ईज़ व्हेन आई एम विद यू। जब जब ये आपके साथ होते हैं इनको बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे कहते नहीं है कुछ ऐसे इंसान हैं जिनके सामने आप बिल्कुल केयर फ्री तरीके से बिहेव कर सकते हैं, अपने ही नशे में, अपने ही धुन में खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा चहक रहे होते हैं इस प्रकार। यू होल्ड द की टू माई हार्ट, मेरे दिल की चाबी आज तक तुम्हारे पास है। आशा करती हूँ रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। नई वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका इंतज़ार कर रही है। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।